डीप स्टेट, वोकिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म, ऐसे शब्द चर्चा में बहुत है। अब हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। उनको आवश्यकता है मदद की, विश्व भर के हिंदुओं की, भारत के सरकार की सहायता उनको मिले, ये उनकी आवश्यकता है। हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। वहां चर्चाएं ऐसी चलती है बांग्लादेश में कि भारत से हमको खतरा है, पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए, वही हमारा प्रामाणिक मित्र है और दोनों मिलके, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भारत को रोक सकते हैं। समय पर हमको जागना है। हमारा देश सांस्कृतिक एकात्मता के अधिष्ठान पर खड़ा है। बलि किसकी देनी यज्ञ में चर्चा हुई, कहते हैं क्या घोड़े की, नहीं वो तो लात मारेगा, हाथी नहीं बहुत बड़ा है, शेर नहीं बाबा वो तो बिल्कुल नहीं, फिर किसको, तो बकरे को काटो, कुछ नहीं कर सकते। विषमता इतनी विचित्र हो गई कि हमने अपने संतों को, देवों को, सबको बांट लिया। वाल्मीकि जयंती वाल्मीकि बस्ती में ही क्यों होना। अब हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता। वो कारण उनकी चर्चा जिनका विषय है वो करे, परंतु दो बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया, परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां की हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक, उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। उनको आवश्यकता है मदद की, विश्व भर के हिंदुओं की, भारत के सरकार की सहायता उनको मिले, ये उनकी आवश्यकता है। परंतु इससे ये ध्यान में आता है, और ये ध्यान में आना चाहिए, हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए, कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है ये निमित्त पर्याप्त है, और इसलिए जहां कहीं भी हम है वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं, इसको हमको करना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात है हमारे सबके ध्यान देने की। अब वहां चर्चाएं ऐसी चलती है बांग्लादेश में कि भारत से हमको खतरा है, और भारत से खतरा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए, वही हमारा प्रामाणिक मित्र है, और दोनों मिलके, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भारत को रोक सकते हैं। जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की पूरी सहायता हुई, जिस बांग्लादेश के साथ भारत ने अब तक कोई वैरभाव रखा नहीं, आगे भी नहीं रखेंगे, उस बांग्लादेश में ये चर्चाएं हो रही है। ये चर्चाएं कौन करा रहा है, ऐसे वर्णन नैरेशंस वहां पर चले, ये किन किन देशों के हित की बात है, ये तो देखने वाले सोचने वाले समझते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। हमारे देश में भी ऐसा हो ये इच्छा है, क्योंकि भारत बड़ा बनेगा तो सब स्वार्थ की दुकान तो बंद हो जाएंगी, और इसलिए भारत का यह सामर्थ्य न बने, ऐसे उद्योग चल रहे हैं, डीप स्टेट, वोकिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म, ऐसे शब्द चर्चा में बहुत है। पिछले साल भी मैंने उल्लेख किया था,
कुछ लोगों ने कहा था कि अपने यहां तो है ही नहीं, ऐसा नहीं है, अपने यहां है, बहुत पहले से है। क्योंकि केवल भारत नहीं, सभी सांस्कृतिक परंपरा के विरुद्ध यह विचार जाता है। परंपरा से दुनिया में कहीं भी कोई भी समाज जीवन में जो मंगल है, भद्र है, ऐसा मानता है, उसको ध्वस्त करना ये इनके कार्य प्रणाली का अंग है। और यह करने के लिए पहले पहला सूत्र उनका होता है इन्वेड इंस्टीट्यूशंस, संस्थाओं को कब्जे में लो। शिक्षा संस्थान है, विद्यापीठ है, शिक्षा व्यवस्था है, माध्यम है, बौद्धिक जगत है, इन सब पर अपनी पकड़ कायम करके उनके द्वारा समाज में विचारों की विकृति का प्रसार करना, विचारों को बिगाड़ना, अपनी परंपरा के प्रति, अपने स्वत्व के प्रति अश्रद्धा से उत्पन्न करना। हम ही अपने लोगों को गाली दें, हम ही अपने बातों को तुच्छ माने, उनकी लज्जा करें, इस प्रकार का वातावरण पैदा करना। इतना बड़ा समाज है, उसकी कई विविधताएं हैं, उन विविधताओं को अलगाव में परिवर्तित करना। नहीं है वहां कोई जबरदस्ती विविधता आरोपित करके हम विविध है इसलिए हम अलग है, हम विविध है इसलिए हम एक नहीं है, हमारे स्वार्थ अलग है, ऐसा नैरेशन देना। इतना बड़ा समाज है, छोटी मोटी समस्याएं सबकी रहती है, बड़ी समस्याएं भी रहती है, समाज की स्थिति में सब कुछ ठीक ही रहता है ऐसा नहीं, सुधारने का भी बहुत कुछ होता है, तो कई अन्याय चलते रहने वाले रहते हैं। इन सबको लेकर एक असंतोष उत्पन्न करना, संघर्ष उत्पन्न करना, टकराव की स्थिति उत्पन्न करना, लोगों को उग्र बनाना, व्यवस्था, कानून, सत्ता, प्रशासन, इन सब के प्रति अश्रद्धा अनादर का व्यवहार सिखाना, इससे उस देश पर बाहर से वर्चस्व चलाना आसान होता है। पहले जैसा आपस में युद्ध करना अब आसान नहीं है, अब युद्ध इस प्रकार से होता है, इसको मंत्र विप्लव कहते हैं अपने परंपरा में, ऐसा मंत्र विप्लव चल रहा है। और ऐसी भ्रम की स्थिति में उनको देश के अंदर भी कभी बार साथी मिल जाते हैं, जाने अनजाने, प्रजातांत्रिक देश है अपना, अनेक दल रहेंगे, उनकी स्पर्धा चलेगी, ये प्रजातंत्र की पद्धति है। लेकिन समाज में ये अलगाव टकराव देश की एकता एकात्मता, देश के वैभव संपन्न होने के प्रयास से बड़े बन गए, अथवा दलों के स्वार्थ समाज की सद्भावना और राष्ट्र की एकात्मता को गौण बनाकर चलाए गए, तो फिर किसी एक का पक्ष लेके उनके पीछे खड़ा रहना, खुद मैदान में नहीं आना, अल्टरनेट पॉलिटिक्स ऐसा कहते हैं, पर्यायी राजनीति, उसके आड़ में अपना ये एजेंडा और ये पद्धतियां चलाती है। और ये मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं बता रहा हूं, पुस्तकें निकल रही है पाश्चात्य देशों से वहां की परिस्थिति के बारे में, पाश्चात्य जगत के अनेक प्रगत देशों में इस मंत्र विप्लव के परिणाम स्वरूप जीवन की स्थिरता, शांति और मांगल्य संकट में पड़ा हुआ उनको अनुभव होता है, हमको भी दिखाई देता है। और भारत के चारों ओर विशेषकर सीमावर्ती प्रांतों में इस प्रकार के कारस्थानों के चलते क्या क्या हो रहा है हम देख सकते हैं। समय पर हमको जागना है। हमारा देश सांस्कृतिक एकात्मता के अधिष्ठान पर खड़ा है, अंडरलाइंड कल्चरल यूनिटी, ऐसा हमारे संविधान निर्माताओं ने भी अन्यत्र भाषणों में कहा है। और नैतिक विचारों का, अध्यात्म के सत्य का एक बलशाली अधिष्ठान
हमारे समाज की स्थिरता को, आपस के संबंधों को, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय व्यवहार को मिला है। इन आधारों को नष्ट करने के कुप्रयासों को समय के पूर्व हमको रोकना पड़ेगा। उसके लिए समाज को प्रयास करने पड़ेंगे। एक ऐसा राष्ट्रीय नैरेटिव चलाना पड़ेगा, उसके लिए योजना बनानी पड़ेगी। कानून संविधान की मर्यादा में रहते हुए, अपने सांस्कृतिक अधिष्ठान पर पक्का रहते हुए हमको इसकी योजना बनानी पड़ेगी, क्योंकि समाज को सुरक्षित रखने के लिए इसी का उपयोग होगा। संस्कारों का क्षरण इन विभेदकारी ताकतों को पुष्ट करता है, और वो बलवान होती है तो वो भी संस्कारों के क्षरण का कारण बनती है। और हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष में इस प्रकार का मनोवचन कर्मों पर कुप्रभाव निर्माण हो रहा है, क्योंकि अब कोई बात छिपी रहती नहीं, मीडिया सर्वत्र पहुंचता है, बड़ों के साथ बच्चों के हाथ में भी मोबाइल है, मोबाइल पर वो क्या देख रहे हैं, उनको क्या दिखाया जा रहा है, इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। घर में क्या देखना नहीं देखना, इस प्रकार का विवेक नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में घर परिवारों में ये नियंत्रण स्थापित करना और अपनी विधि व्यवस्था में भी इसके व्यवस्था के लिए कोई, इसके नियंत्रण के लिए कानून बनना, इसकी आवश्यकता है, क्योंकि इन संस्कार भ्रष्टता के कई प्रकार के कुपरिणाम है। ये विवेक न होने के कारण कई जगह नई पीढ़ी नशीली दवाओं की आदतों में खोखली होती चली जा रही है। कहीं पर दिखता है, कहीं पर नहीं दिखता है। कहीं कहीं पर ऐसा भी हो गया है कि कोई नशीली दवा जो नहीं लेता उसको पिछड़ा माना जाता है। इस प्रकार का वातावरण भी उत्पन्न हो रहा है। और हम देखते हैं कि हमारे देश की परंपरा क्या है, हमारा देश कैसा है। एक द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगा, महाभारत हो गया। एक सीता का हरण हो गया, रामायण हो गया। यहां पर कैसी घटनाएं घट रही है। अब कलकत्ता में जो हुआ आरजीकर अस्पताल में, लज्जाजनक घटना है, हम सबको कलंकित करने वाली घटना, और ये एक नहीं है। घटनाएं होती है, उसका नियंत्रण वगैरह करना, जैसे वहां खड़े हो गए समाज के सब लोग डॉक्टर लोगों के साथ, घटना होने ही नहीं देना, इसलिए चौकन्ना रहना चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए। परंतु होने के बाद भी वहां जिस प्रकार से टालमटाल का प्रयास हुआ, अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास हुआ, ये जो अपसंस्कृति पहली है उसके साथ अपराध और राजनीति का जो गठबंधन हो गया है उसके ये परिणाम है। हमारी सांस्कृतिक देन है ये दृष्टि, जो कहती है मातृवत परदारेषु, पराई स्त्री माता समान है। जिनसे प्रबोधन प्राप्त होता है परिवार में, अपने परिवार के जनों से प्राप्त होता है, और माध्यमों के द्वारा जाने अनजाने समाज इनसे ग्रहण करता है। वहां यह भान रहना चाहिए कि हम क्या परोस रहे। वहां अगर इसका भान नहीं रहा, इन मूल्यों का तिरस्कार हुआ, अपेक्षा ये उपेक्षा हो गई, तो फिर वो महंगा पड़ेगा। और इसलिए वहां पर इसका भान रहे और मूल्यों का प्रबोधन हो, इसके लिए हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये जो परिस्थिति सारी चल रही है उसमें हम देखते हैं कि सारे खतरे संस्कार भ्रष्टता के कारण और आपस में अलगाव की हवा बहती है उसमें बह जाने के कारण देश में सर्वत्र, आप देखिए सीमा से लगे पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, समुद्री सीमा पर केरल है, तमिलनाडु है, और बिहार से मणिपुर तक पूरा पूर्वांचल है, अस्वस्थ है। मूल कारण यही है
इन प्रदेशों में ये सारी परिस्थिति उपस्थित है। और फिर ये भी हम देखते हैं कि कट्टरपन को उकसाकर उपद्रव किए जाते हैं, ये भी परिस्थिति है। बहुत सारे असंतोष के कारण इतने बड़े समाज में हो सकते हैं। ट्रैफिक जाम हो गया तो वो भी असंतोष का कारण बनता है। असंतोष को व्यक्त करने के रास्ते भी हमारे संविधान ने बताए। प्रजातांत्रिक रीति से हमको जो अच्छा नहीं लगता उसका विरोध हम कर सकते हैं, करना भी चाहिए। अगर अपने को अच्छा नहीं लगता चुप रहो, ऐसा कोई नहीं कह सकता। परंतु उसकी एक पद्धति है, उसका पालन होना चाहिए। उसको ताक पर रखकर कानून संविधान को छोड़ते हुए कहीं किसी ने कुछ किया, पूरे समाज को जिम्मेवार मानकर ये जो उपद्रव होते हैं इसको असंतोष के जगह गुंडागर्दी करना ज्यादा अच्छा है। ये गुंडागर्दी होती है और कहीं कहीं ये हो जाती है समाज के कट्टर स्वभाव के कारण, अथवा कहीं कहीं इसको कराया जाता है। कभी कभी समाज करता नहीं, उपद्रव करने वाले आके करके चले जाते हैं। पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर साहब ने इसी के प्रति हमको सचेत किया था। संविधान समिति ने जब संविधान अर्पण किया, संसद में बाबा साहब के दो भाषण हुए, उसमें एक में उन्होंने उल्लेख किया है इन बातों को। उन्होंने ग्रामर ऑफ अनार्की, अराजकता का व्याकरण कहा है। अब यह इशारा हमको मिल चुका है, हम लेकिन ऐसा करते हैं। अभी गणेश उत्सव के और पथराव विसर्जन के जुलूसों पर हुआ, क्यों हुआ? कोई कारण नहीं था। ऐसी बातों का नियंत्रण त्वरित करना प्रशासन का काम है। कहीं करते हैं, कहीं थोड़ी ढिलाई भी दिखती है, परंतु प्रशासन आते तक तो समाज को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए समाज को तैयार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। गुंडागर्दी नहीं चलने देनी है। गुंडागर्दी को किसी का सैंक्शन नहीं है, और गुंडागर्दी किसी की भी हो वो क्षम्य नहीं है। अपना और अपनों का प्राण और चीज वस्तु इसकी रक्षा करना ये अपना अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। बातें प्रशासन को पुलिस को करनी है, उनको ही करनी देनी चाहिए। उनके आते तक अपने प्राण को बचाना, अपनों के प्राणों को बचाना ये अपना अधिकार है। उसके लिए समाज को सजग रहना पड़ेगा। सजगता से होगा ही नहीं, हो गया तो सन्नद्ध भी रहना पड़ सकता है। मैं वर्णन सारा किसी को लड़ाने के लिए नहीं कर रहा हूं, डराने के लिए भी नहीं कर रहा हूं। ये परिस्थिति है, दूसरी भी है, अच्छी परिस्थिति भी है, अच्छी बातें भी हो रही। हमको इस परिस्थिति में से जाना है, और इसलिए क्योंकि हम सबकी इच्छा है अपना देश एकात्म हो, सारे झगड़े समाप्त हो, अपना देश बड़ा बने, सबकी इच्छा है, सबका कर्तव्य भी है। और इसलिए समाज की एक विशिष्ट प्रकार की स्थिति चाहिए, विशिष्ट दिशा में प्रयासों की आवश्यकता रहती है। समाज स्वयं जगता है, अपना पुरुषार्थ करता है, तब महापुरुष, संगठन, संस्थाएं, प्रशासन, शासन ये सब सहायक कार्य होते हैं। समाज की स्वस्थ स्थिति से सारे उपद्रव टल जाते हैं। जैसे इम्यूनिटी कम होने के बाद रोग आते हैं, स्वस्थ अवस्था शरीर की ढलती है, बीमारियां बाद में घेरती है, और बीमारियां भी स्वस्थता को नष्ट करती है। और इसलिए यह स्वस्थ अवस्था समाज की सशक्त अवस्था यानी समाज की संगठित अवस्था है। समाज को सशक्त रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए, क्योंकि दुर्बलों की परवाह देव भी नहीं करते। अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च नैव च, बलि किसकी देनी यज्ञ में चर्चा हुई, कहते हैं क्या घोड़े की? नहीं, वो तो लात मारेगा। हाथी? नहीं, बहुत बड़ा है। शेर? नहीं बाबा, वो तो बिल्कुल नहीं। फिर किसको? तो बकरे को काटो, कुछ नहीं कर सकता। देवो दुर्बल घातकम। और इसलिए इस स्वस्थता को, संगठित का को उत्पन्न करने के लिए संपूर्ण समाज में कुछ विषय हम शताब्दी वर्ष के पश्चात ले जाएंगे।
अभी 125 साल शुरू हुआ है, वो पूरा होगा 1925 में। उसके बाद साल भर शताब्दी वर्ष का कुछ चलेगा, उसके बाद समाज में हम विषय लेने जाने वाले हैं। समाज के स्वस्थ स्थिति की पहली शर्त है सामाजिक समरसता और सद्भावना, इसके बिना संगठन संभव नहीं। और इसलिए इन बातों को ले जाना है, लेकिन ये बात ले जानी है ने कार्यक्रम ले जाने से नहीं होता। कुछ प्रतीकात्मक कार्यक्रम कर लिए तो समरसता सद्भावना नहीं आती है, व्यक्तिगत स्तर पर पारिवारिक स्तर पर काम करना पड़ता है। समाज के सभी वर्गों में व्यक्तियों की और कुटुंबों की मित्रता होनी चाहिए। मैं जितने दायरे में घूमता हूं काम करता हूं वहां के सब प्रकार के रहने वालों में मेरे मित्र होने चाहिए, मेरे परिवार के मित्र कुटुंब वहां सब प्रकार के रहने वालों में होने चाहिए। भाषा विविध है, पंथ संप्रदाय विविध है, खान पान रीति रिवाज सब अलग अलग होने के बाद भी ये कुटुंबों की और व्यक्तियों की मित्रता यही समाज में समरसता लाती है। प्रबोधन करने के लिए बाकी सब काम आता है, आचरण करने के लिए ये प्रत्यक्ष मित्रता चाहिए। और जहां जहां लोगों को समझाना संभव है, अपना इतका अपनी इतनी साख है, वहां समझा के पर्व त्योहार सबके होने चाहिए। ये विषमता इतनी विचित्र हो गई कि हमने अपने संतों को देवों को सबको बांट लिया। वाल्मीकि जयंती वाल्मीकि बस्ती में ही क्यों हो ना, क्यों हो? वाल्मीकि ने रामायण तो पूरे हिंदू समाज के लिए लिखा, तो भगवान वाल्मीकि की जयंती सब मिलके मनाए, भगवान रविदास की जयंती सब मिलके मनाए, सारे पर्व त्योहार मिलके पूरा हिंदू समाज करे, सहभागी हो, बाहर से सहभागी हो, अंदर जाकर सहभागी हो, ये सहभागिता चाहिए। और समाज के श्रद्धा के या उपयोग के जो केंद्र होते हैं, मंदिर है, पानी है, श्मशान है, वो सबके लिए खुले चाहिए, ऐसा वातावरण चाहिए। ये हमको करना पड़ेगा, इसको लेकर हम समाज में जाएंगे। अपने समाज में अनेक जाति वर्ग है, उनका अपना अपना नेतृत्व है, उस नेतृत्व के हाथ में संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के द्वारा उन उन जाति वर्गों का संचालन होता है, अच्छी तरह होता है। ये सब जाति वर्गों के जो मुखिया लोग हैं, वो अगर नीचे खंड स्तर तक ब्लॉक स्तर पर एकत्रित आए और आपस में बताएं कि अपने जाति के उत्थान के लिए उनको समय के हिसाब से ठीक प्रकार का प्रबोधन, क्या क्या खतरे हैं समाज जीवन में, उससे अपने आप को कैसे बचाना, इसके बारे में जानकारी, देश दुनिया में क्या चल रहा है इसकी जानकारी, ये हम अपने समाज में कैसे देते हैं, उनका जीवन अधिक उन्नत हो, अधिक संस्कार वाला हो, भौतिक दृष्टि से सुखी हो, क्या क्या कर रहे हैं, आपस में शेयर करना, बताना, कल्पनाएं मिलती है अन्य लोगों को प्रयास करने के लिए। लेकिन इनके साथ और दो विषयों की चर्चा करना, अपने अपने जाति वर्ग के लिए हम ये सब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु हम सब मिलकर अपने उस खंड में समाज की कौन सी एक समस्या है जो हम उठाकर अपने बलबूते उसको ठीक कर सकते, पूरे समाज की कोई समस्या, हर दो महीने बैठते तो दो महीने में एक कोई समस्या उठाकर उसको ठीक करना, सबने मिलकर तय करना, इसको हम हाथ लगाएंगे, इसको हम ठीक करेंगे। और दूसरा ये तय करना कि हम सब जाति वर्ग यहां रहते हैं, हम मिल रहे हैं, वो हम में जो दुर्बल जाति है उसके लिए हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। ऐसी एक बैठक में मैं था, वह वाल्मीकि बंधु थे, उन्होंने खड़े होकर बताई अपनी समस्या, हमारे बच्चों के लिए विद्यालय नहीं है, सरकारी विद्यालय चलता नहीं है, प्राइवेट विद्यालय हमको पुराता नहीं है, बच्चे कहां पढ़े। तो वहां राजपूत समाज के लोग बैठे थे, खड़े हो गए, उन्होंने कहा आपकी बस्ती तो हमारी बस्ती को लगकर है, उनका है, बोले तो हमारा स्कूल है, 20% लोगों को हम लेंगे बिना फीस के पढ़ाएंगे, और वो काम शुरू हो गया। समाज में विभिन्न जाति वर्गों के लोग बैठकर नियमित इन तीन विषयों का विचार अगर करते हैं तो समाज में सद्भावना नहीं रहेगी तो क्या रहेगा, और कौन उस सद्भावना को तोड़ सकेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि हम अपना भी विचार करते हैं, सबका भी विचार करते हैं, हम सब एक दूसरे से लगे हैं, हमारे संबंध है। ये करना पड़ेगा, इस बात को लेकर हम जाएंगे।